नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाब का फेमस सरसों का साग, जो हम बहुत ही आसान विधि से बनाएंगे। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने एक बंच सरसों, दो बंच पालक और दो बंची बथुआ लिया था, जिसे मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। साग को अच्छे से धोएं फ्रेंड, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत आती है। इसे हम कुकर में भर लेंगे। देखिए मैंने कुकर में भर लिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और साग के अंदर मैं पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि साग के अंदर थोड़ा पानी है। तो पहले हम पानी नहीं डालेंगे, पहले हम साग को अच्छे से नीचे बैठने देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से बैठ गया है, आप देख सकते हैं। इसे चम्मच की सहायता से और दबा देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे और बैठ जाए, क्योंकि हमें अभी इसके अंदर और साग डालना है। तो बचा हुआ साग भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डाल दें फ्रेंड, ताकि ये भाप से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हम डालते जाएंगे और ये नीचे बैठता जाएगा। यहाँ पे आप फ्रेंड लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर आप लहसुन प्याज और अदरक खाते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और अदरक काट कर डाल सकते हैं। इससे साग का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। ये साग बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, ज़रूर ट्राई करें। इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डाल दूंगी, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और इसे बंद कर कर हम 4 से 5 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। देखिए इसके 1 सीटी लग गई है। ये सरसों का साग फ्रेंड पंजाब में काफ़ी मशहूर है, आप ज़रूर खाएं। इसे मक्के की रोटी, फुलका जैसे चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे पंजाब में बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड इसके 2 सीटी लग गई है और आप देख सकते हैं 3री सीटी भी इसके आ गई है। और इसी तरह हम इसके 2 सीटी और लगा लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। प्रेशर हम इसी के अंदर रहने देंगे। देखिए 5 सीटी लग गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। जब तक प्रेशर निकलता है हम तड़का तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप सरसों के तेल में भी तड़का लगा सकते हैं, देसी घी में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तेल गर्म होने पर हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे। और मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। आप प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। ये हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। और अब हम इसे चलाते हुए भून लेंगे, जब तक कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो बस हमें इसी तरह चलाते हुए प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी जल्दी से भुन जाए उसके लिए हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी प्याज जो है थोड़ा जल्दी भुन जाएगी। तो 1/2 चम्मच के करीब मैं नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च जिसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला है। 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे। और साथ ही सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साग को फ्रेंड आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगा। मिक्स करते हुए हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि यह तेल नहीं छोड़ देता। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप लहसुन को काट कर भी डाल सकते हैं।
और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे साग के अंदर। अब हम इसे हल्का सा चटपटा बनाने के लिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च हमारी आँखों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो फ्रेंड अगर आप काली मिर्च खाते हैं तो सब्जी वगैरह में काली मिर्च खाएं, इससे हमारी आँखों की रोशनी काफ़ी तेज़ होती है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हम साग को चेक कर लेते हैं कि हमारा साग अच्छे से उबला है या नहीं। देखिए कुकर को खोल लेते हैं, प्रेशर इसका निकल गया है बहुत ही अच्छे से। देखिए साग जो है बहुत ही अच्छे से उबल गया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही कम पानी है क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था। अगर पानी ज़्यादा हो तो आप पानी को थोड़ा निकाल दें, अगर गाढ़ा लगे तो फिर डाल लें, फेंकिए नहीं पानी को। पर आप इसे रई से भी घोट सकते हैं, मिक्सी या हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मैं इसे मिक्सी जार में डालकर इसको पीस लूँगी। देखिए मैंने पीस लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड जब मैंने इसे मिक्सी में पीसा था तब मैंने इसके अंदर 3 चम्मच छोटे मक्की का आटा डाला था, मैंने उसी के साथ इसे पीस लिया है ताकि वो अच्छे से पीस जाए, इसके अंदर लंप्स ना पड़े। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। खूब सारा साग था तो इसलिए मैंने इसके अंदर 3 चम्मच मक्की का आटा लिया है, मैंने छोटी 3 चम्मच मक्की का आटा लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप मक्की के आटे की जगह बेसन भी डाल सकते हैं, पर बेसन को आप थोड़ा रोस्ट करके डाल लें। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि मक्की का आटा जो है वो अच्छे से पक जाए और सब्जी जो है हमारी अच्छे से घुट जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारा सरसों का साग बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड हमारा सरसों का साग तैयार है खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। फ्रेंड अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।